और खबर उज्जैन से है, जहां अनियमितता के चलते उज्जैन जेल अधीक्षक को हटाया गया है। बता दें, जेल अधीक्षक उषा राज को भोपाल के मुख्यालय अटैच किया गया है। वहीं पुलिस महानिदेशक जेल द्वारा नई कार्रवाई की गई। आपको बता दें, जेल में हुए डीपीएफ घोटाले को लेकर कार्रवाई की गई है। जांच में समिति ने लगभग 15 करोड़ का गबन होने का भी अंदेशा जताया है। वही बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने जांच कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के संकेत भी दिए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, गड़बड़ियां पाए जाने के बाद उज्जैन जेल के अधीक्षक को हटाया गया है। उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं। वही बता दें, जेल अधीक्षक उषा राज को भोपाल मुख्यालय अटैच किया गया है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस महानिदेशक जेल द्वारा की गई है ये बड़ी कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वही जेल में हुए डीपीएफ घोटाले को लेकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, उज्जैन से खबर है, जहां अनियमितता के चलते उज्जैन के जेल अधीक्षक को हटाया गया है। उषा राज को भोपाल मुख्यालय अटैच किया गया है। प्रेम ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रेम, कमियां के चलते इन्हें यहां से हटाया गया है, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? जी हां, निश्चित तौर पर उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में डीपीएफ का एक घोटाला उजागर हुआ था, जिसके अंदर जांच शुरू हुई थी। उज्जैन पुलिस ने यहाँ पर एक केस भी दर्ज कर लिया था जेल कर्मचारी के खिलाफ। इसके बाद लगातार मामला गर्माता गया, जेल के अन्य कर्मचारियों ने धरने प्रदर्शन दिए, गृह मंत्री ने बड़ी जांच के आदेश दिए, डीआईजी के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। जांच दल भोपाल से उज्जैन आया था, लगातार 2 दिनों तक उज्जैन रहा, प्रत्येक कर्मचारी के बयान दर्ज किए, इसके बाद वे सब दस्तावेज भी खंगाले गए। दरअसल यहाँ पर जो डीपीएफ है, उसमें करीब जांच में पाया गया कि करीब 15 करोड़ रुपए यहाँ से डीपीएफ के निकाले गए हैं, और जिन लोगों ने निकाले हैं उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। खास बात तो यह है कि जो जेल अधीक्षक है वो उसके अकाउंट से ही पैसे जाना बताया जा रहा है, कि यहाँ पर जो जेल अधीक्षक है उसके लॉगिन और पासवर्ड की वजह से ये पैसे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व मिला है। खुद गृह मंत्री ने कहा था कि यदि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। इसके बाद शुक्रवार को रात्रि के समय यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है, जो कि महानिदेशक जेल के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें केंद्रीय भैरवगढ़ जेल की जो जेल अधीक्षक है उषा राज, उसे तत्काल उज्जैन से हटा दिया गया है। अब वह भोपाल में मुख्यालय में अटैच रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है। हालांकि अभी यहाँ पर जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, वे एक भी पुलिस की हत्थे नहीं चढ़े हैं, गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जांच अभी भी आगे जारी है, क्योंकि एक जांच उज्जैन पुलिस भी कर रही है। ठीक है, ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।